नमस्कार दोस्तों मैं सुनीति साहू आप सबका स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल एफ एस ज्ञान में दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा सात तृतीय पाठ स्वलंबन का अनुवाद व अभ्यास कार्य लेकर के आई हूँ आज के वीडियो में हम अभ्यास कार्य व स्वलंबन का अनुवाद जानेंगे आइए इस पाठ का अनुवाद देखते हैं पाठ पाठ तीन स्वावलबनम स्वावलंबन मीन्स स्वावलंबनम मीन्स होता है आत्मनिर्भर कृष्णमूर्ति श्रीकंठ से मित्रे कृष्ण कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे श्रीकंठ से पिता समृद्ध आसी श्रीकंठ के पिता धनवान थे अतः तस्य भवने सर्विधा सुख साधना आसन तस्य भवने भवन में सर्विधा सभी प्रकार की सुख सुध सुख साधना सुख सुविधाएं आसन थीं उनके विशाल भवन में सभी प्रकार के सुख सुविधाएं थीं तस्वीर विशाल भवने चारिश स्तंभा आसन उनके विशाल भवन में चालीस खंभे थे तस् अष्टादश प्रकोष्ठ पचास गवाक्षा चतुशत्ंशरा सट त्रिंश विद्युत व्यंजना च आसन तस्य उनके अष्टादश प्रकोष्ठेशु अठारह कमरों में पचास गवाक्षा पचास गवाक्षा मीन्स होता है खिड़कियाँ पचास खिड़कियाँ चतुचत मीन्स होता है चवालीस फोर्टी फोर द्वाराणी दरवाजे उनके अठारह कमरों में पचास खिड़कियाँ चवालीस दरवाजे सठ विद्युत व्यंजनाने सठ त्रिंसठ मीन्स होता है छत्तीस थर्टी सिक्स पंखे थे तत्र दस सेवकाः दससेवका निरंतर कार्य इष्मा। वहाँ दस सेवक लगातार कार्य करते थे परम मूर्ति माता चा माता पिता चा निर्धन कृषक दंपती लेकिन कृष्ण मूर्ति के माता पिता निर्धन दम निर्धन कृषक थे तस्य गृह आडंबर विहीनम साधारण आसित उनका घर आडंबर से विहीन और साधारण था एकद्रीकंठ तेन सातः तस्य तृह आगछत एक बार श्रीकंठ उसके साथ उसके घर प्रातः नौ बजे आया या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं एक एक बार श्रीकंठ उसके साथ किसके साथ कृष्ण मूर्ति के साथ सुबह नौ बजे उसके घर आया तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च सशक्त्या श्रीकंठ से आतिथ्य अकुर्वन वहाँ श्री कृष्णमूर्ति और उनके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य किया आतिथ्य मीन्स जो है अतिथि सत्कार है उसको किया अकुर्वन मीन्स होता है किया एक तत् दृष्टवा श्रीकंठ अकथ्यत यह देखकर श्रीकंठ बोला मित्र अहम भवता सत्कारेन संतुष्टो अस्मि मित्र मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ अस्मि हूँ केवलम इदम केवल इदम यह ही मम दुखम एको वृत् ना अस्त मुझे केवल यही दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है मम सत्काराय भवताम बहु कष्ट जात मेरे सत्कार में आपको बहुत कष्ट हुआ मम गृह तो बहुत कर्म करा मेरे घर में तो बहुत से काम करने वाले हैं तदा कृष्णमूर्ति अवदत तब कृष्णमूर्ति बोला मित्र मित्र ममा भी अष्ट कर्म करा सी मेरे भी आठ काम करने वाले हैं तेजा द्वौ पादौ द्वौ हस्तौ द्वौ नेत्रे वे दो पैर, दो हाथ और दो नेत्र दव इति और दो कान हैं एते प्रतीक्षण मम सहायका ये हर हमेशा ये प्रतिक्षण मेरी सहायता करते हैं किंतु बृत्तिया सदैव सर्वस्थिता भविम न शक्वती किंतु तु तुम्हारे जो नौकर हैं वे सदैव हमेशा सर्वत्र सभी जगह चा और उपस्थित उपस्थित भवितुम न सकुवंती उपस्थित नहीं रह सकते नहीं हो सकते किंतु तुम्हारे नौकर हमेशा और सभी जगह उपस्थित होने में समर्थ नहीं हैं तुम तो तु स्वकार्या्याय वृत्धीना तुम तो तुम्हारे काम तुम तो तु, तुम्हारे काम के लिए नौकर के अधीन हो यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा तम कष्ट अनुभवसी जब जब ते वे अनुपस्थिता अनुपस्थित होते हैं तदा तदा तब तब तम तुम्हें कष्टम कष्ट अनुभवसी कष्ट का अनुभव होता है जब जब वे अनुपस्थित हो रहते हैं तब तब तुम्हें कष्ट अनुभव होता है स्वावलंबने तो सर्वदा सुख में स्वावलंबन में आत्मनिर्भरता में तो हमेशा सुख ही है न कदापि कष्टं भवति कभी भी कष्ट नहीं होता श्रीकंठा अवदत् श्रीकंठ बोला मित्र मित्र तव तो वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में महती बड़ी प्रसन्नता जाता हुई प्रसन्नता हुई अधुना अहम अपि अप, मैं भी स्वकार्यानी अपने कार्यों के अपने कार्यों को स्वयं स्वयं ही कर तुम करने का करने के लिए इच्छा मी इच्छुक हूँ अब मैं भी अपने कार्यों को स्वयं करना चाहता हूँ भवतु चलो साध द्वादश वादनम वादन मि वादनम, सांप्रतम गृह चला चलो साढ़े बारह बजे हैं साढ़े बारह बज गए हैं सांप्रतम गृह चला अब घर चलता हूँ चलता हूँ तो इस प्रकार से ये हमारे पाठ का अनुवाद हुआ आइए अभ्यास प्रश्न देखते हैं अभ्यास प्रश्न में हमाला, हमारा पहला प्रश्न दिया है उच्चारण कुरुत उच्चारण कीजिए तो इसका हमें उच्चारण करना है विंशति द्वांशति चतुर्विंशति पच्चविंशति अष्टाविंशति नवविंशति विंशति

बारे में चर्चा करते हैं दूसरा प्रश्न हमारा दिया हुआ है अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तरानी लिखत यहाँ पे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है पहला हमारा प्रश्न दिया है कस्य भव ने सर्वविधानी सुख साधना आसन किसके घर में सारी सुख सुविधाएँ थी इस प्रश्न का उत्तर होगा श्रीकंठस्य भव सर्वविधानी सुख साधनानी आसन दूसरा हमारा क्वेश्चन प्रश्न दिया है कस्य गृह को भी वृत्त्य ना आसित किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था नास्ती नहीं है किसके घर में कोई भी नौकर नहीं है तो इसका उत्तर होगा कृष्णमूर्ते गृह को भी वृत्त ना फिर तीसरा हमारा प्रश्न दिया है श्री श्रीकंठ से आतिथ्य के अकूर्वन श्रीकंठ का आतिथ्य किसने किया तो इसका उत्तर होगा श्रीकंठ से कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता चकुरन श्रीकंठ की श्रीकंठ का आतिथ्य किसने किया कृष्णमूर्ति और उनके माता पिता ने किया चौथा हमारा प्रश्न है सर्वदा कुत्र सुखम हमेशा सुख कहाँ है तो इसका उत्तर होगा सर्वदा स्वावलंबने सुखम सर्वदा स्वावलंबने सुखम अंगा दिया हुआ है श्रीकंठ मूर्ते गृह कदा अगछत श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति के घर कब आया तो इसका उत्तर होगा श्रीकंठ प्रातः नौवादने कृष्ण मूर्ति गृह आगछत नव वादने गृह आगत फिर हमारा छठा क्वेश्चन दिया है श्री कृष्ण मूर्ते कर्म करा संति श्री कृष्ण मूर्ति के कितने काम करने वाले हैं तो इसका उत्तर होगा श्री कृष्ण मूर्ति होता है आठ कर्म करा संति आठ काम करने वाले हैं तीसरा हमारा प्रश्न दिया है चित्राणी गणित तद्ध संख्या वाचक शब्द लिखत यहाँ पे दिए हुए चित्रों को आपको गिनना है और उसको संस्कृत में जो है उनके संख्याओं को लिखना है तो यहाँ पे जो है कितनी कितने मटके हैं देखिए कितने घड़े हैं वह एक दो तीन चार पाँच छ छः बारह अट्ठारह तो यहाँ पे अट्ठारह घड़े हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा अष्टादश घटानी यहाँ पे जो है इक्कीस आम है तो यहाँ पे एक विंशति आमरानी फिर कितने बॉल हैं पंच दस कंदुकानी पंद्रह यहाँ पे पंद्रह जो है बॉल है गेंद हैं तो यहाँ पे आएगा पंच दस कंदुकानी फिर यहाँ पे आ जाएगा कितने कैंडल है यहाँ पे तो यहाँ पे सड़ त्रिंसठ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तो यहाँ पे थर्टी सिक्स है ना सड़ त्रिंसठ छत्तीस कैंडल है मोमबत्तियाँ हैं तो यहाँ पे सठ त्रिंस सिक्क वर्तिकाणी जो है कैंडल को क्या बोला जाता है सिक्किवर्तिका तो यहाँ पे आ जाएगा सिक्के वर्तिकाणी कैंची दिया हुआ कितने है कितने कैंची हैं चतुर्विंशतीय कर्तरिका जो कैंची है उसको कर्तरिका बोला जाता है चतुर्विंशती चौबीस कर्तरिका यहाँ पे कितनी पत्तिया हैं त्रय स्त्री सन पत्राणी यहाँ पे तैतीस जो है पत्तियाँ हैं मंजूसाता अंग का नाम कृते पदा ने चिन्ह यहाँ पे बॉक्स में जो है पद दिए हैं अंक दिए हैं उसको चिन्हना है यहाँ पे यहाँ पे जो है हमारे अंक जो है लिखे हुए हैं अब इसको संस्कृत में क्या बोला जाता है इसको यहाँ पे फिल करना है तो यहाँ पे देखिए अट्ठाईस लिखा हुआ है तो अट्ठाईस को संस्कृत में क्या बोलते हैं अष्टाविंशति है सत्ताईस को सप्तविंशति है तीस को त्रिंस इकतीस को एक त्रिंशत, चौबीस को चतुर्विंशति चालीस को चतवारिशत और पचास को पंचाशत बोला जाता है पांचवा प्रश्न दिया हुआ है चित्रण दृष्टवा मंजूसाता पदा च प्रयुज्य वाक्यानि रचियत यहाँ पे बॉक्स में जो है शब्द लिखे हुए हैं इसको लेकर के आपको वाक्य बनाना है तो पहला हमारा वाक्य बनेगा देखिए पे एक है यहाँ पे दो है और यहाँ पे दो से अधिक तीन लोग हैं तो यहाँ पे एक वचन दो वचन और दो बहुवचन प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का उपयोग करते हुए हमें वाक्य निर्माण करना है तो यहाँ पे देखिए एक किसान है तो इसको क्या बोलेंगे ऐसा कृषक क्षेत्रम क्षेत्र कर सती यह किसान अब इसमें से हमको निकालना है ऐसा कृषक क्षेत्रम कर सती यह किसान खेत को जोत रहा है ठीक है ये हमारा पहला सेंटेंस बन गया फिर दूसरा सेंटेंस यहाँ पे दो किसान है तो ए, एक को बताने के लिए ऐसा और दो को बताने के लिए एतव तो यहाँ पे देखिए एता कृष्क खनन कार्यम है ना ये लोग खुदाई कर रहे हैं तो खनन कार्यम यहाँ पे दुणी वचन, दुणी वचन का उपयोग किया जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एत कृषि खनन कार्यम कुरुता अब यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग करना है यहाँ पे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं तो बहुवचन के लिए जो है एते का उपयोग किया जाता है और का यहाँ पे देखिए एते कृषकः धन्यम् रोपन्ति ये किसान जो है धान की रोपाई कर रहे हैं तो इसका सेंटेंस बनेगा एते कृषकः धन्यम् रोपयंति छठवां हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है नाम समय वाचकान अंगकान पदेषु लिखत यहाँ पे दिए हुए समय को लेकर के इसका हमको पद लिखना है इनको संस्कृत में क्या कैस क्या बोला जाता है कितना लिखा जाता है ऐसे देखिए कैसे साढ़े दस को टेन थर्टी को सार्ध दस द्वादश वादनम साढ़े दस बजे तो यहाँ पे सात बजे को क्या बोलेंगे वादनम दो तीस को क्या बोलेंगे सार्ध द्विवादनम ग्यारह बजे को एकादश वादनम चार तीस को सार्ध चतुर्वादनम एक तीस को साढ़ एक वादनम पाँच बजे को पंच वादनम साढ़े तीन बजे को साध त्रिवादनम नौ बजे को नौ वादनम साढ़े बारह बजे को साध द्वादश वादनम फिर आठ बजे को अष्टवादनम साढ़े सात बजे को सप्त सप्तवादनम सातवां प्रश्न दिया हुआ है मंजू साता पदानी चित्वा रिक्त स्थानी पुरियत यहाँ पे बॉक्स में आपको शब्द दिए हुए हैं इन शब्दों को चुनकर इन वाक्यों को पूरा करना है ये जो फिर ब्लैंक्स दिया हुआ है उसको पूरा करना है तो यहाँ पे क नंबर दिया है देखिए डे ऋतु भवंती हम सबको पता है कितनी जो है ॠतु होती है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा षड ऋतु भवंती छुवे होती हैं खा हमारा दिया है मासा भवंती मा महीने कितने हो, मा, महीने होते हैं कितने होते हैं सबको पता है महीने बारह होते हैं तो बारह को क्या बोला जाता है यहाँ पे मासा द्वादश भवंती ग दिया हुआ है एकस्मिन मासे एक महीने में डैश अथवा डैश दिवसा भवंती स्थान और स्थान दिन होते हैं तो एक महीने में कितने दिन तिर तीस दिन अथवा एक तिंश दिवस बुनती या इकतीस दिन होते हैं घ हमारा दिया हुआ है फरवरी मासे से सामान्यतः दस दिनानी बवंती तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा अष्टा अर्था, अर्थात अट्ठाईस दिन होते हैं फिर अंग दिया हुआ है मम शरीरे हस्तव डतः ठीक है मेरे शरीर में खाली स्थान हाथ हैं सबके शरीर में कितने हाथ होते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दो मेरे शरीर में दो हाथ हैं तो इस प्रकार से हमारा ये जो पाठ है स्वावलंबन ये हमारा कंप्लीट होता है दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इस वीडियो का लाभ दूसरे लोग भी उठा सके धन्यवाद thank <music> you